शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी, पहले तो शुक्राना गुरु जी का कि मुझे सत्संग करने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। तो गुरु जी से मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े भैया मुझे लेके गए थे, बड़े हम दिल्ली से हम लोग हैं, तो ये टुकमुटू बड़ा मंदिर वहाँ पे। तो उसके बाद गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई थिंक कंटिन्यू रही हैं। अंकल ने मुझे मेरी आंटी से मिलवाया, एंड वेन वी मेट वी डिडंट नो कि आंटी ऑल्सो ब्लेसिंग गुरु जी। तो हमारी विकेट मैरिड, देन गुरु जी ने मुझे घर ब्लेस कराया हम लोग को। देन पीछे मेरी हेल्थ ख़राब हुई थी, आई गॉट अपेंडिक्स, वो ठीक कराया बिना कुछ पेन के ऐसे कुछ। एंड देन शी फाइनली ब्लेस्ड आवर डॉटर प्रिशा। तो ब्लेसिंग्स चलती रह रही थी कल वो, बट आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जस्ट टू थैंक गुरु जी टू गिव माई मॉम अ सेकेंड लाइफ। तो अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में, जस्ट बिफोर दिवाली के एक दिन पहले, मुझे मेरे भैया का फ़ोन आता है इंडिया से, दिल्ली से, कि मम्मी इज़ नॉट फीलिंग वेल और ICU में है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि काफ़ी सीरियस चीज़ है, देन यू गाइस कम ओवर। तो सैटरडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग कॉल आया हम लोग को, वी बुक द टिकट्स एंड मी माई वाइफ एंड माई डॉटर। सैटरडे इवनिंग को हम लोग इंडिया चले गए हम लोग। तो हम लोग संडे रात को पहुँचे वहाँ पे, एंड भैया ने बात करी थी ICU में कि मेरे भाई आ रहा बाहर से, एटलीस्ट लेट दम मीट फॉर सम टाइम। तो हम लोग रात को 12 बजे पहुँचे हम लोग, एंड दे अलाउड अस टू मीट मी एंड माई जया। हम लोग गए मम्मी से मिल के आए। तो एक्चुअली मेरी मम्मी को लंग्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा टाइप है, शी हैज समथिंग कॉल्ड COPD, इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। तो शी हैज सम ब्रीदिंग इश्यूज, शी इज देयर फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो ग्रेजुअली उनके लंग्स हैव बिकम वीक। तो वो डॉक्टर टोल ओवर देयर कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड समथिंग राइट, द स्पैथम गॉट स्टक इन हर ट्रैकिया ओवर देयर, एंड लंग्स के अंदर पोर्स होते हैं विच टेल्स यू लाइक इट्स लाइक अ स्पॉन्ज। तो ऑल द पोर्स गॉट ब्लॉक्ड, सो शी कुड नॉट ब्रीथ एनीथिंग, एंड शी नीड सपोर्ट ओवर देयर। तो समथिंग कॉल्ड अ बाईपैप मशीन इज देयर विच हेल्प्स यू डायरेक्टली टेक द ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। वो लंग्स के करते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन इन CO2 आउट, बट हर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वॉज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। मतलब उनका 50 से बिलो इज नॉर्मल, उनका 75-80 ऐसा था उनका लेवल वो। तो बाईपैप वॉज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर हर। बट बाईपैप मशीन इफ पीपल नो राइट, इट्स वेरी हार्ड टू पुट, यू पुट इन द मास लाइक दिस एंड इट्स लाइक समबडी इज प्रेसिंग योर थ्रोट एंड यू कांट ब्रीथ बिकॉज द एयर कैन नॉट गो आउट। इट गिव्स यू ऑक्सीजन फ्रॉम वन पाइप एंड CO2 टेक्स फ्रॉम अदर पाइप। सो इफ पुट फॉर 10 मिनट्स ऑल्सो इट्स लाइक समबडी इज सब गला दबा रहा आपका, ऐसा लगता है ऐसे। सो यस, शी हैज़ टू पुट इन शी फॉर कपल ऑफ आवर्स, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, शी हैज़ टू पुट फॉर 4 आवर्स, 8 आवर्स। सो it was very painful for her and we could not see her in that pain, and ultimately aisa ho gaya because it was so painful she was trying to take her out the mask and doctor told ki inke hame haath par maarne padenge because she is not cooperating. To fir mere bhaiya ne sirf sign karate hain form, matlab wo we had to sign that because that's the only treatment for her. To and because when you go to ICU right, you can't eat anything, they give you, they put the cannula in the hand to give the IVs everything. So when he signed this, because she was trying to put a cannula also out, she was hurting herself in the meantime to take things out. So unke haath par bandhe hue the theek hai aise, unke matlab wo she was there for like 2-3 days like that. To baar baar humte wo nikalti thi cannula ko, matlab wo they had to put 3-4 times over there, ultimately they couldn't find the vein over here ki kaise lagana hai, and they had to put like a C pipe from that. To the things were not like say improving, but जब यहाँ से हम लोग गए तो गुरु जी ने इंडिकेशन दिया कि साथ हमारे हैं। जब यहाँ से हम लोग ट्रैवल किए, यहाँ से हम लोग का गेट नंबर था फ्लाइट का 16 था, हम लोग का सीट नंबर था 43, एंड द पर्सन बेसिकली हु गिव अस अ सीट्स राइट, वी आस्क्ड हिम कि हमारी डॉटर साथ में है, गिव अस लेकर 3 वाली सीट, ना कि हम लोग nobody is in between, so she can sleep also. He said there is no available seat, but I can give you like a, it was like a 3-4-3 plane. He gave us a 4th seat with one row, one seat in the that corner, one in this aisle. So we got to go to 4 seats over there, so she could travel easily, comfortably over there. So, था कि मतलब कि गुरुजी साथ में चल रहे हैं, मतलब वो, but things are not improving over there. तो जैसे वहाँ भी गया हॉस्पिटल के बाहर भी, मतलब वहाँ पे जय गुरुजी की स्टिकर दिख गया,
तो वी गेटिंग इंडिकेशंस बट देयर वर नो पॉजिटिव साइन कि थिंग्स इंप्रूव हो रही नहीं हो रही हैं. एंड देन आफ्टर 3-4 डेज डॉक्टर टोल कि बिकॉज दे डू सम टेस्ट कॉल ABG इज एरिटोरियल बायोगैस. दे टेक दर ब्लड सैंपल फ्रॉम द आर्टरी नॉट द वेन्स. इज वेरी पेनफुल. तो शुड डू योर टेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग जस्ट टू चेक कि आपका जो कार्बन लेवल है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा. सो अल्टीमेटली दे टोल्ड इज नॉट वर्किंग आउट. दे हैड टू पुट ऑन वेंटिलेटर. सो व्हेन यू पुट ऑन वेंटिलेटर तो मोस्टली आई थिंक मोरल डाउन हो जाता है. आई थिंक वी लूज अ होप. सो काइंड ऑफ हम सब ने तो मतलब होप छोड़ चुकी थी मतलब राइट. वो देन आई वेंट टू बड़े मंदिर लोटा ब्लस्ट करने के लिए. मैं जाते इंडिया जाती मैंने मम्मी के बेड के ऊपर वहाँ पे आई पुट गुरु जी का स्वरूप रख दिया था मैंने मतलब वहाँ पे. एंड देन वी वेंट टू बड़ा मंदिर फॉर लोटा ब्लस्ट करने के लिए. तो मैं जब बड़ा मंदिर गया हूँ लोटा लेके वहाँ पे मेन भवन के अंदर तो आई वाज क्राइंग. तो वो अंकल आए वहाँ पे मतलब वहाँ पे. मैंने बोला अंकल लोटा ब्रश कहाँ है. तो उन्होंने बोला आप आगे आ जाओ. एंड देन अंकल हु केम टू टेक लोटा फ्रॉम मी राइट ही वाज टॉल बॉल्ड बट ही हैज मोस्टैचेस. एंड ही आस्क्ड मी कि क्या हुआ. आई टोल्ड हिम मम्मी कैसे मतलब काइंड ऑफ वी आर लॉस्ट ऑफ होप काइंड ऑफ. तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो मतलब गुरु जी को बोलो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लें. ये मैंने बोला कि ठीक कर दो. उनको बोला कि उसका हाथ पकड़ लें. तो मैंने उनसे अरदास करी ठीक है उनका हाथ पकड़ लो. तो फिर जब हम लोग वापस आए हॉस्पिटल राइट मतलब वो तो दैट्स अ डे दे टूक हर आउट फ्रॉम वेंटिलेटर. उन्होंने बोला कि ऑब्जर्व फॉर वन डे राइट नाउ कि क्या होता है. बट स्टिल आई थिंक स्टिल द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वॉज नॉट कमिंग डाउन. एंड अगेन रोल देयर वी हैव टू टाई हर अप अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी बहुत हम लोगों ने कि डोंट टाई हर अप बिकॉज टाई हर अप शी विल लूज अ कॉन्फिडेंस राइट. लेट हर लेट मी एंड सिट विद हर राइट. विल होल्ड हर हैंड्स थ्रू द नाइट एंड सो दैट शी वॉन्ट टेक इट हर आउट. डॉक्टर डिडंट एग्री बिकॉज कह रहा है ICU में इज नॉट अलाउड यू कॉन्ट बी ओवर देयर राइट. पर समहाउ रात को नर्स का में फोन आता है कि मतलब कि अगेन शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग. वो फिर निकाल रही है मतलब वो. हमने रिक्वेस्ट करी आई डोंट नो क्या हुआ हमारे मतलब वो नर्स एग्री कर गई. और पूरे अब रात को 12 घंटे मैं और मेरे भाई ICU के अंदर. उसने एक हाथ पकड़ा मम्मी के लेफ्ट हैंड में राइट हैंड पकड़ा. हम मतदाप करते रहे रमन बोलते रहे मतलब वो. सो दैट डे आई थिंक उनका थोड़ा रिकवरी का लगा. उनको बॉस फुल नाइट उनको बाईपैप लग चुका था. तो वी वर होपफुल कि मॉर्निंग में थोड़ा साइन थोड़ा पॉजिटिव आएगा. तो मॉर्निंग रिपोर्ट थोड़ी बेटर आई. इवनिंग फिर वैसी आई मतलब वो. एंड इन द मीन टाइम वहाँ पर जो ICU का जो आई थिंक हेड था ही सॉ द गुरुजी पिक्चर. ही टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू पुट सम गुरुजी शब्द इन हर ईयर्स. मैं कहा ICU में फ़ोन तो अलाउड नहीं किया था हम लोगों ने. कह रहा कि मैं भी गुरुजी मानता हूँ कुछ नहीं होता कर लो. तो मैंने मम्मी के वहाँ पे बेड के साथ में अपना फ़ोन रख के उनको एयरपोर्ट लगा दिए. शी वॉज लिसनिंग एंड व्हेन शी वोक अप राइट शी टोल्ड मी कि मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे हाथ में दे दो. तो उन्होंने अपने हाथ में लोगों को पकड़ा मतलब वो बोलता कि मैंने इनका हाथ पकड़ लिया अब मैं ठीक हो जाऊँगी मैं. तो मुझे अंकल बोलते कि उनको बोले हाथ पकड़ लो. और आके मम्मी बोलती है कि मतलब मुझे स्वरूप दे दो. तो कहना गुरुजी ने उनको बात सुन ली होगी और हाथ पकड़ लिया उनका. तो उसके बाद से उनकी रिकवरी काइंड ऑफ थोड़ी पॉजिटिव शुरू हुई. और व्हाट हैपन राइट बिकॉज ही वाज इन ICU फॉर 2.5 वीक्स. सो एंड पीपल लर्न्स ट्रैक ऑफ लाइक से टाइम एंड प्लेस राइट. सो उनको ऐसा हो गया था कि मतलब कि हम सब लोग मर चुके हैं. जो लोगों का ICU में हुआ शी वॉज सीइंग ऑल द डेथ्स एवरी टाइम राइट. उनका जो पहले साथ में जो पेशेंट था ही पास अवे. एक दो लोग और पास अवे राइट. एवरी नाइट समबडी वॉज गोइंग. सो शी गॉट कि जब हमसे मिल जाते बोलते तू कैसे आ गए तू तो मर चुका है. एंड यू सिंग अच्छा वो जया को भी मार दिया मेरे भैया को मार दिया मेरी डॉक्टर अपीशा उसको भी डॉक्टर ने लेके मार दिया है. तो बेसिकली शी वॉज टॉकिंग सम जिब्रिश ओवर देयर बिकॉज शी थॉट कि वी ऑल आर डेड. बट देन जब से गुरु जी के मतलब फिर वो हाथ से पकड़ा उन्होंने उनका रिकवरी थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होने का. उन्हें खुद ही हिम्मत आ गई मतलब कि वो आई विल पुट द बाईपैप आई विल नॉट टेक इट आउट. उसका वो मशीन दगाती थी मतलब वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम 8 आवर्स 4 आवर्स आगे डर. डॉक्टर ने बोला कि अभी यहाँ पे मतलब बिकॉज आई थिंक शी इज़ रिकवरिंग बट दिस एटमोसफेयर इज़ नॉट गुड फॉर हर टू स्टे एंड रिकवर मेंटली. सो वॉट यू डू यू गो होम सेटअप एन ICU इन द होम एंड शी कैन डू द सेम ट्रीटमेंट इन द होम ऑल्सो. तो हमने घर पर सेटअप किया हम लोगों ने उनका मिनी ICU. वी गॉट ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ओवर देयर बिकॉज शी हैज़ टू बी ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर थ्रू आउट द डे. तो शी वॉज डूइंग इनिशियली स्टार्ट हुआ फॉर 24 आवर्स ऑक्सीजन सपोर्ट 8-12 आवर्स बाईपैप
ग्रेजुअली ग्रेजुअली करके मतलब वो आई थिंक इट टुक अ काइंड ऑफ अ मंथ एंड टुडे शी इज आई विल से इंडिपेंडेंट राइट शी डोंट नीड एनी सपोर्ट शी कैन वॉक अराउंड राइट जो शी कैन नॉट टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज बट शी इज आउट ऑफ बाईपैप नो ऑक्सीजन सपोर्ट शी इज इंडिपेंडेंट सो थैंक यू गुरु जी लाख लाख शुक्रिया फॉर देयर थैंक यू सो मच बट यार गुरु जी मतलब कि पेशेंस लेते हैं ठीक है ना वो जैसे बोलते हैं आप सुनते हैं कि मानो नहीं मांगो नहीं मानो राइट तो आई विल बी ऑनेस्ट राइट कि मतलब वो मैं उससे ये नहीं बोल पाया कि जो निकले अच्छा वो कर दो मैंने उनको बोला कि उनको ठीक कर देंगे मतलब वो आपसे मांग रहा हूँ तो थैंक यू गुरु जी थैंक यू जय गुरु जी शिवाय शिव जी सदा सा ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा।